हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग पाउडर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, पाउडर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और पाउडर्स के क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं पाउडर्स की, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल पाउडर हैं, ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, ये एक मिक्सचर होते हैं फाइनली डिवाइडेड जो भी हमारी मेडिसिन है या केमिकल्स हैं इन द ड्राई फॉर्म। तो जो हमारी मेडिसिन है या जो हमारे केमिकल्स हैं, वो अगर ड्राई फॉर्म में स्मॉल पार्टिकल साइज में अगर मिक्स्ड हैं, तो उनको हम फार्मास्यूटिकल पाउडर कहते हैं। दे आर इंटेंडेड फॉर इंटरनल आर एक्सटर्नल यूज। ये इनको हम प्रिपेयर करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल यूज के लिए। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल पाउडर हैं, वो अवेलेबल होते हैं क्रिस्टलाइन आर एमॉर्फस फॉर्म में। तो ये हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन जो हमारी साल्ट फॉर्म है उसमें वो अवेलेबल होते हैं, और एमॉर्फस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी हमारी डोजेज फॉर्म है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। और जो हमारे पाउडर्स का पार्टिकल साइज है, वो अफेक्ट करता है हमारी ड्रग के डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन और उसकी थेरेप्यूटिक इफिकेसी को। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, तो जो हमारे पाउडर्स हैं उनका पार्टिकल साइज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 माइक्रॉन से लेके 0.1 माइक्रॉन तक होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ पाउडर्स के बारे में। तो जो इसका पहला एप्लीकेशन है, यूज्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। तो जो हमारे पाउडर्स हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म से। तो जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनसे ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये इसमें हमें एक चीज का आप कह सकते हैं कन्वीनियंस मिलता है कि जो हमें डोज की रिक्वायरमेंट है वो हम अपने पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं। इट इज़ वो कन्वीनियंट टू प्रिस्क्राइब ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर एज पर नीड। और इसमें चांसेस इनकम्पैटिबिलिटीज के काफ़ी कम होते हैं अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं। इसका जो अगला एडवांटेज है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका रैपिड होता है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं और जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो लाइक जो हमारी टेबलेट हैं, कैप्सूल हैं या पिल्स हैं, उनके कंपेरिजन में जो हमारे पाउडर्स हैं उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफ़ी तेज होता है, हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। ये किस कारण से मिलता है? क्योंकि इसका जो होता है डिसोल्यूशन वो काफ़ी इजी होता है, मीन्स आसानी से हमारे स्टमक में फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाता है और वहाँ से फास्टली एब्जॉर्ब होके अपना एक्शन देता है। ये ज़्यादा इजी होते हैं हालांकि वो कैरी करने में एज लिक्विड डोजेज फॉर्म। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पाउडर कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड बाई डिजॉल्विंग इन ए सुइटेबल लिक्विड। तो अगर हमें जो है पाउडर की ज़्यादा डोज पेशेंट को देनी है, तो उसको हम आसानी से दे सकते हैं अगर उसको हम किसी एक ठीक लिक्विड में डिजॉल्व कर दें। जो हमारे बच्चे हैं और जो इल्डर पेशेंट हैं, उनको जो और डोजेज फॉर्म हैं उनको हम निगलने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट अगर हम पाउडर की बात करें तो वो आसानी से उसको जो है स्वालो कर लेते हैं, वो निगल लेते हैं। हम कुछ कंडीशन में हमें पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड होता है अपने ड्रग के रिस्पॉन्स को अच्छे से लेने के लिए, तो उस कंडीशन में जो हमारा पाउडर्स है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उससे मीट करता है। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे पाउडर का, वो है ये काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, मीन्स इसको अगर हम और डोजेज फॉर्म से कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ते होते हैं। अब हम लोग पाउडर्स के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है, अगर कोई हमारी ड्रग उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मीन्स वो बिटर है, नाउसियस है या अनप्लीजेंट टेस्ट उसका है, तो उस कंडीशन में उसको हम पाउडर फॉर्म में जो है पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर जो हमारा पाउडर है वो है आपका डीलिक्विसेंट या हाइग्रोस्कोपिक, मीन्स अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो कम है वो जल्दी ही लिक्विफाइड हो जाता है, या वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो उस कंडीशन में हम उसको पाउडर के फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर पाते हैं।
उसके बाद जो हमारा अगला डिसएडवांटेज है, ये जो हमारा पाउडर की डिस्पेंसिंग है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं टेबलेट की या कैप्सूल की, तो उसको हम पेशेंट को जो है एक तरफ से वो जल्दी दे सकते हैं, बट अगर पाउडर की बात करें तो अगर आपको दो तीन इंग्रेडिएंट आपस में ऐड करने हैं तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो ये एक इसकी डिस्पेंसिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। द क्वांटिटी लेस देन 100 mg जो है डिफ़िकल्ट होता है एक्यूरेटली पेशेंट को देने में, क्योंकि जो हमारा होता है हमारा फिजिकल बैलेंस, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 100 mg के बाद काफ़ी कम हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ पाउडर के बारे में। तो जो हमारे पाउडर्स हैं उनको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं एज पर देयर यूज। तो इसका जो पहला है वो है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, जो दूसरा है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, जो हमारा तीसरा है यह है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, मतलब पाउडर इनक्लोज्ड इन द सैचेट और कैप्सूल एंड कंप्रेस्ड पाउडर टेबलेट आर ट्राइजुरेट। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो जो हमारे बल्क पाउडर होते हैं ये वो पाउडर होते हैं वो जिनमें हमें डोज की एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये काफ़ी सारी डोज में पैक किए जाते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें कोई जो डोज है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, तो उनको हम बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज कह सकते हैं। उसके बाद है हमारा बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, तो इसमें क्या है कि इनके अंदर कोई भी पोटेंट ड्रग जो वो नहीं होती है, या आप कह सकते हैं वो कम एक्टिव ड्रग इनके अंदर होती हैं, और इनको हम सप्लाई करते हैं किसी भी कार्डबोर्ड में, ग्लास में या प्लास्टिक के कंटेनर में। तो अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें हमारे बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ के बारे में, तो जो हमारा पहला है ये है डस्टिंग पाउडर, ये हो सकता है मेडिकल या हो सकता है सर्जिकल। उसके बाद में है हमारा इंसफ्लेशन, ये जो है मेडिकेटेड होते हैं और हमारी बॉडी की कैविटी में हम इनको यूज़ करते हैं, मीन जो हमारे बॉडी में छिद्र हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा स्नफ्स, ये भी जो होते हैं मेडिकेटेड, और इसको हम जो है इनहेलेशन के थ्रू अपने नोस्ट्रिल्स के थ्रू, अपने नाक के थ्रू अपने अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है ये है हमारा डेंटिफ्राइसेस, तो इसमें क्या होता है ये मेडिकेटेड हो सकते हैं या नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ के बारे में। तो अगर हम सिंपल की बात करें तो ये वो पाउडर होते हैं जिसके अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट होता है वो या तो क्रिस्टलाइन या एमार्फस फॉर्म में होता है, और अगर हम बात करते हैं कंपाउंड पाउडर की तो इसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं और ये एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स रहते हैं और अलग अलग डोज में हमको इनको डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है ये है पाउडर इनक्लोज्ड इन द सैचेट्स, इसको हम कहते हैं वेफर कैप्सूल भी। इट इज सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म मोल्डेड फ्रॉम राइस पेपर, और वो राइस पेपर के थ्रू इसको हम जो है एक सांचे में मोल्ड करके हम इसको सॉलिड डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम किस तरह से करते हैं आइए देख लेते हैं। हालांकि इट इज जो है मेड बाई पोरिंग ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड रिवॉल्विंग सिलेंडर्स। तो इसमें हम दो रिवॉल्विंग घूमने वाले सिलेंडर्स लेते हैं जो कि हॉट रहते हैं, उनके बीच में हम राइस फ्लोर और वाटर को जब इंट्रोड्यूस करते हैं और उसमें से जब वाटर इवोपरेट होता है तो वो एक सीट फॉर्म करता है वेफर्स की। तो इस कंडीशन में जो हमारे सैचेट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं, कोई भी अगर हमारा जो सब्सटेंस है अगर वो है नॉसियस है या उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, डिसएग्रीएबल है, तो उस कंडीशन में हम सैचेट्स को यूज़ करते हैं। और जो हमारे सैचेट्स हैं वो काफ़ी सारे साइज में अवेलेबल होते हैं, 0.2 to 1.5 gram पाउडर ये होल्ड कर सकते हैं। और जो हमारा अंतिम टाइप है ये है टेबलेट ट्राइचुरेट, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हम जो भी हमारा पाउडर है उसको हम एक वो टेबलेट के फॉर्म में मोल्ड करते हैं, उसको एक आप कह सकते हैं कि सांचे में ढाल के टेबलेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो मोल्ड है ये फ्लैट हो सकते हैं,
सर्कुलर डिस्क के शेप में हो सकते हैं और इनके अंदर पोटेंट सब्सटेंस रहता है और इनको हम मिक्स करते हैं विद द लैक्टोज या डेक्सट्रोज या कोई भी अदर डाइल्यूएंट को यूज करके इसको हम वो टेबलेट फॉर्म में मोल्ड करके और इसको हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, पाउडर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।